नमस्कार, मैं उदव कृष्ण, आप न्यूज 18 लोकल देख रहे हैं। देखिए, अभी मैं पटना सिटी के नूरुद्दीनगंज शिवगंगानगर में खड़ा हूं और ये जो आश्रम है, ये प्रज्ञा आश्रम है। यहाँ पे निशुल्क रूप से योग सिखाया जाता है और एक दो सालों से नहीं बल्कि करीब एक दशक से यहाँ पे योग जो है वो सिखाया जाता है। तो इसी पे पूरी स्टोरी होने वाली है, सब कुछ बताएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे। आप बने रहिए न्यूज 18 पर। दाहिनी नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को निकालें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। श्वास लेने में फेफड़ा पूरा फूले और श्वास छोड़ने में फेफड़ा पूरा सिकुड़ जाए, यानी प्राणवायु ऑक्सीजन को पूरी लेना और अंदर से खराब वायु कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे निकाल देना। जितनी जरूरी है हमें ऑक्सीजन लेना, उतना ही जरूरी है अंदर से कार्बन को निकालना। अगर हमारे अंदर में कार्बन पूरी नहीं निकलती है तो वो खून में उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी और हमें रोग का शिकार बना देगी। इसलिए उथली सांस नहीं लें, लंबी गहरी श्वास लें और अंदर से नाभि तक श्वास को निकालने की कोशिश करें। जो जीव जंतु उथली सांस लेते हैं उनकी आयु स्वल्प होती है, कम होती है, जल्दी बीमार पड़ते हैं और समय से पहले शरीर को छोड़ देते हैं। जो जीव जंतु लंबी गहरी श्वास लेने वाले होते हैं उनकी आयु लंबी होती है और बीमार नहीं पड़ते, अपनी प्राकृतिक आयु प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए हमें क्या करना है, गहरी श्वास लेने की आदत डालनी है। इसी को हमारे ऋषियों ने प्राणायाम नाम दिया था। मेरा नाम तो भोला प्रसाद है। और कब से यहाँ योग कर रहे हैं? हो गया 7-8 वर्ष हो गया। हम बूढ़ा हो गए थे, जाने वाले थे, मगर हम गंगा जी जी स्नान कर रहे थे, आए गुरु जी यहाँ करते थे, है ना। तो ऐसे झुकते एक दूर प्रयास किया तो हमको फायदा बुझाया, तो फिर जुट गए। बताइए क्या नाम? नागेंद्र प्रसाद। और कब से योग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा? हम तो 4-5 साल से कर रहे हैं। क्या फायदा? बहुत फायदा है। हम लोग चलने बुलने में दिक्कत होता था, अब तो ठीक है। व्यक्तिगत जो हमारा स्वास्थ्य है वो कम से कम है कि ठीक रहता है। प्रतिदिन कभी मैंने थोड़ा भी 2-3 दिन कभी गैप होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ शरीर में कुछ खामी आ गई है। पुनः जब योग में आ जाते हैं तो वो खामी पुनः ठीक हो जाती है। दौलतिया देवी। और बताइए कब से योग कर रहे हैं? योग के में हमको तजुर्बा हो गया, कैसा 7 साल ना गुरु जी, 7 साल हो गया। क्या फायदा? फायदा वही बुझाता है जो हमको नस के प्रॉब्लम है, दवाई खाते हैं तो चल पाते हैं, नहीं खाते हैं तो ना। तो योगा करे से हमको सही लगता है। विमला देवी। और क्या लाभ हुआ है योग? हम 6 साल से योग कर रहे हैं। हमको बहुत दिक्कत था चलने बुलने में, बोलने में मन हफियाते रहता था। जब से योग किए हैं, जब से शरीर ठीक है, हमको मन हल्का लग रहा है, काम धंधा सब चीज़ में फुर्ती रहते हैं। मेरा नाम संगीता मेहता है, मैं यहाँ पिछले 5-6 साल से आ रही हूँ। मेरा नाम सुषमा देवी है। कोई ऐसा ही दिन होता है कि कभी नहीं आ पाती हूँ, लेकिन योग का बहुत महत्व है। हमेशा संडे को आती हूँ और इससे बहुत जगह फायदा भी हुआ है मुझे। मेरा नाम नेहा कुमारी है और ऐसे कुछ आसन है जो मैं सिद्ध कर चुकी हूँ। ये कौन सा आसन है जो अभी आप कर रही हैं? यह आसन का नाम बद पद्मासन है। बद पद्मासन आसन है और इसमें मतलब कि हाथ जो है आपका दोनों रिवर्स में जा कर के पीछे से आपने इसमें पकड़ा हुआ है। योग की प्रेरणा का कैसे हमारा नाम हुआ अरुण श्रीवास्तव। योग की प्रेरणा हमें 1980 में मिली, क्योंकि हमारा शरीर जब रोग ग्रसित हो गया था, हम चलने लायक नहीं रहे थे, बेड पे थे। उस समय पटना सिटी में एक BC डॉक्टर थे MBBS, वो उनसे इलाज चल रही थी हमारी और उन्होंने कहा था कि अब एंड ऑफ लाइफ है हमारा। तो हमारे अंदर की जो आत्म प्रेरणा थी उसको या तो हम गुरु कहें चाहे जो भी कहें,
वो आत्म प्रेरणा हमें ऐसे एक गुरु से मिला दी जो पुस्तक के माध्यम से, जिनका पुस्तक का नाम था गायत्री ही कामधेनु है, और उसके लेखक थे श्री राम शर्माचार्य, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक। तो उनकी पुस्तक भरवली हमको मिली और पढ़ी हमने, और पढ़ने के बाद लगता है कि उसी समय से हमें अंतः प्रेरणा मिलने लगी कि जीवन को हमें बचाना है, और जीवन कैसे बचेगा, ये मात्र जो है कि नहीं दवा से नहीं बच सकता है। तो अंतः प्रेरणा मिलते मिलते फिर जो है कि नहीं, हमें योग के विषय में कुछ जानकारी मिली अंतः प्रेरणा से, और योग के विषय में जानकारी मिलने के बाद योग की कुछ पुस्तकें उन्हीं की लिखी हुई थी, योग की पुस्तकें हमने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद दो काम जो है कि नहीं उनकी प्रेरणा से पुस्तक के माध्यम से हमने की, एक किया जो है साधना और दूसरा किया योग, यानी कि हमने उस समय से अपने स्वाद को साधा, जीव को साधा, और दूसरा योग के रास्ते पे हम चल पड़े। जब योग के रास्ते पे हम चल पड़े तो नित्यदिन एक घंटे का योग करते थे, जिसमें कुछ आसन थे, कुछ प्राणायाम थे, और भोजन पे कुछ ऐसे भोजन थे जिसपे हमने प्रतिबंध लगाया जो रोग कारक होते हैं। तो और जो सुपाच्य भोजन है, सात्विक भोजन है, और जो सात्विक भोजन में जो कि हरे भरे जो साग सब्जियां हैं, इसकी ज़्यादा हमने उपयोग करना शुरू कर दिया, कच्चे फल फूल ज़्यादा साग सब्जी उपयोग करना शुरू कर दिया। तो उस समय से हमको लगा कि अंदर में जो है कि नहीं, हमारे अंदर में एक विशेष शक्ति का संचार होने लगा, और जब विशेष शक्ति का संचार होने लगा तो कुछ महीनों के बाद, जिस डॉक्टर ने हमें कहा था कि एंड ऑफ लाइफ कुछ महीनों का ही बात है, तो जब उनको जब हम गए उनके यहाँ, और गए मतलब कि कहा कि डॉक्टर साहब हम अब चल फिर अच्छा से रहे हैं, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि एक कुछ विशेष चमत्कार हुआ है, आप क्या कर रहे थे। तो हमने बताया उनको कि हमने कुछ खान पीन में बदलाव किया और योग मतलब कि हम अपनाया जीवन में। तब उन्होंने कहा कि आपका जीवन अब बच सकता है आप जो है, और वही प्रेरणा हुई कि आज हम आपके सामने हैं। हम योग करीब यहाँ नुरदीगंज में इस प्रज्ञा परिवार आश्रम में जो वहाँ जिस बैठ के हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें करीब हम 8 वर्षों से इस एरिया में योग करवा रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य करा, और वहीं से हमें प्रेरणा मिली। जब हमारे ऐसा व्यक्ति जो कि मरणासन पे हो और योग के माध्यम से हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, और इतनी उम्र में, हमारा उम्र करीब 63 वर्ष होने को जा रहा है, इतनी उम्र में हम जब स्वस्थ रह सकते हैं तो फिर आम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं। और वही प्रेरणा से हमने जो है कि नहीं 2 घंटा निस्वार्थ भाव से नित्य दिन प्रतिदिन निःशुल्क हमने जो है कि नहीं योग के लिए हम ये समय दान हम कर दिया, और तब से आज तक हम योग करवा रहे हैं। बहुत से महिला पुरुष आते हैं यहाँ पे नित्य दिन, बहुत से लोगों को लाभ भी मिला है, वो हाई ब्लड प्रेशर में लाभ मिला, हार्ट में लाभ मिला, घुटने के दर्द में लाभ मिला, कमर के दर्द में लाभ मिला, शुगर में लाभ मिला, बहुत से लोगों को लाभ मिला है। तो इसी प्रेरणा से हम आज तक करवाते आ रहे हैं। देखिए, तो प्रज्ञा योग चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केंद्र है, और इसका नारा भी है करे योग रहे निरोग। तो अगर आपको भी योग करना हो और योग से निरोगी काया अपनाना हो तो आप पटना सिटी में इस जगह पहुंच सकते हैं। टेक्स्ट में एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।